उदाहरण 21, 10, 59 अंश धन कॉट 75 अंश को 0 अंश से 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त कीजिए। हल 10, 59 अंश धन कॉट 75 अंश बराबर 10। 59 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश ऋण 31 अंश। तो 10 59 अंश को हमने लिखा 10, 90 अंश ऋण 31 अंश। उसी तरह से कॉट 75 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश ऋण 15 अंश। तो 90 में से 15 को कहीं हम घटाते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है। तो हम इसी तरह से कॉट 75 अंश को लिखा कॉट 90 अंश ऋण 75 अंश, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 90 अंश ऋण थीटा जो है वह कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ टेन 90 अंश ऋण 31 अंश के स्थान पर कॉट 31 अंश धन कॉट 90 अंश ऋण 15 अंश के स्थान पर हम टेन 15 अंश लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट 90 अंश ऋण थीटा होता है टेन थीटा, थीटा के स्थान पे 15 अंश है यहाँ पे, तो हमारे पास मान आया टेन 15 अंश। तो हमने कौन सा सूत्र यहाँ पे इस्तेमाल किया, टेन 90 अंश ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा, ये हमने यहाँ पे प्रयोग किया। टेन 90 अंश ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे 31 अंश है। और उसी तरह से कॉट 90 अंश ऋण थीटा के स्थान पे हमने टेन थीटा का प्रयोग किया। यहाँ कॉट 90 अंश ऋण थीटा के स्थान पे 15 है, तो हमने यहाँ पे टेन 15 अंश लिखा। इस तरह से हमने 0 अंश और 45 अंश के रूप में कॉट 59 अंश धन कॉट 75 अंश को कॉट 31 अंश धन कॉट 15 अंश के रूप में लिखा। तो यह इस उदाहरण का हल होगा।